Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture. And as we have discussed about the altitude of triangle in previous lecture, here we will basically find out the altitude of obtuse triangle. ठीक है? But first of all हम ये देखेंगे कि altitude क्या है. ठीक है? हम detail में previous lecture में भी discuss कर चुके हैं. ठीक है? If one side of triangle is taken as its base, the perpendicular distance to that side from the opposite vertex is called altitude, or you can say that height of triangle. देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें एक ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल में हम एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ए बी सी अगर ट्राइंगल है. ठीक है? तो देखिए, बी सी एक साइड है, तो बी सी को अगर फॉर एग्जाम्पल हम खुद से कंसिडर कर लेते हैं, ये बेस है. ठीक है? बेस तो हम कोई भी ले सकते हैं. तो जब आप बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस बी सी है और इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑपोजिट वर्टेक्स से आपने लिया है, वो ए से लेके इस पॉइंट तक आ रहा है. ठीक है? इस पॉइंट को ना आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो बी सी पे आ रहा है, इसको डी मार्क कर दें. तो ये जो ए डी है, ए डी इज बेसिकली एल्टीट्यूड. ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट एल्टीट्यूड का. इट डजंट मैटर कि जो मर्जी ट्राइंगल हो, आप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही एल्टीट्यूड कहते हैं. ठीक है? और यू कैन से दैट इट इज हाइट. एल्टीट्यूड भी हम डिफाइन करते हैं, और इसी के लिए जो दूसरा वर्ड है वो हाइट होता है. ठीक है? हाइट एंड एल्टीट्यूड बोथ आर सेम वर्ड्स. अब देखिए, ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास ट्राइंगल की टाइप डिफरेंट हो. ठीक है? ये तो हमने फिलहाल जो ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इसमें सारे एंगल्स लेस देन 90 हैं. ठीक है? लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास अदर देन दिस ट्राइंगल भी कोई कैटेगरी मौजूद हो जिसमें हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो. तो बेसिकली उसके लिए हमने सबसे पहले सारी ट्राइंगल्स हम कंसिडर कर लेते हैं. दिस इज एक्यूट ट्राइंगल. ठीक है? एंड दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. एंड द लास्ट वन कैटेगरी, दैट इज बेसिकली ऑब्ट्यूस ट्राइंगल. ठीक है? ऑब्ट्यूस ट्राइंगल इज द वन इन विच वन एंगल इज एटलीस्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री. ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम पॉइंट्स को नेम मेंशन करते हैं, ए बी सी, ए बी सी, एंड द लास्ट वन में भी ए बी सी मार्क कर लेते हैं. ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इनमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है ना, तो उससे पहले हम कैटेगरी मेंशन कर देते हैं कि दिस इज एक्यूट ट्राइंगल. ठीक है? द ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल. ठीक है? और फिर हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, इसे हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल डिफाइन करेंगे. राइट एंगल्ड ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो बेसिकली 90 के इक्वल है. ये 90 की नोटेशन होती है. ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर जो लास्ट ट्राइंगल आ रही है ना, उसमें आप देख सकते हैं कि एक एंगल 90 से एक्सीड कर रहा है ये वाला एंगल. ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इसका नाम जो है वो होगा ऑब्ट्यूस्ड एंगल्ड ट्राइंगल, या ऑब्ट्यूस्ड ट्राइंगल भी हम सिंपल इसे कह सकते हैं. ठीक है? अच्छा, आप देखें, जब हम इनमें मार्क करते हैं एल्टीट्यूड, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इनसाइड एल्टीट्यूड हो या आउटसाइड एल्टीट्यूड हो. ठीक है? या ऑन द परपेंडिकुलर हो. तो अब हम मार्क कर लेते हैं पिंक कलर से. ठीक है?
बेसिकली एल्टीट्यूड के नोटेशन के लिए हम पिंक कलर यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बेस अगर आप बी सी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हम बेस ऐसा करते हैं बी सी डिफाइन कर लेते हैं, तो सब बेस अगर बी सी हम ले रहे हैं तो ऑपोजिट वर्टेक्स से लेंगे, ठीक है। तो ऑपोजिट वर्टेक्स फिलहाल इस केस के लिए सब में ए आ रही है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही आप क्या कहेंगे, हाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को डी का नाम दे देती हूँ ना, तो ए डी इज एल्टीट्यूड हियर। अब आप देखें कि अगर आप यहाँ पे एल्टीट्यूड मेंशन करना चाहते हैं ना, तो ये वाली जो साइड आ रही है ना जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप सिंपल डिफाइन कर दें कि ए बी इज हाइट, और यू कैन से दैट ए बी इज एल्टीट्यूड, ठीक है। मैं बार बार एल्टीट्यूड वर्ड और हाइट वर्ड दोनों रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों का सेम मतलब होता है। फिर आप देखें लास्ट वन में जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस तो हमने परपेंडिकुलर ही लेना है ना, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जब आप परपेंडिकुलर लेंगे तो ऑब्वियसली इस साइड को हम डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक डी पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि ए डी इज हाइट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए वन मोर रिजल्ट विच वी हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस फिगर इज कि जब आप ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड को मार्क करके मैं लिख देती हूँ कि बेसिकली वो आउटसाइड द ट्राइंगल हमेशा लाई करेगा, हमेशा ऑब्ट्यूस ट्राइंगल का जो इसकी जो हाइट होती है वो बेसिकली अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल बेस में ले रहे हैं ना, तो हमेशा जो इसकी हाइट होती है वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करती है, ठीक है। लेकिन हम साथ ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के सारे केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम ए बी सी मार्क करते हैं इन इन ट्राइंगल्स को, ठीक है, अब तीन केसेस अराइज होते हैं, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है बेस आप इसको कंसीडर करें, ऐसा भी पॉसिबल है बेस आप इस साइड को कंसीडर करें, और ऐसा भी पॉसिबल है बेस आप इस साइड को कंसीडर करें, ठीक है। अगर तो आप बेस इस साइड को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि जो बेस आप ले रहे हैं इसके ऑपोजिट वर्टेक्स ए आ रही है। इसमें देखें तो बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स सी आ रही है, ठीक है, और इसमें आप देखते हैं तो बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स बी आ रही है, ठीक है। तो हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हम ऐसा करते हैं ए पॉइंट से जरा फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ना, तो इस साइड को आप प्रॉपर एक्सटेंड करके देख लें, ये जो लेंथ आ रही है ना बेसिकली वो एल्टीट्यूड है ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए डी इज एल्टीट्यूड। लेकिन अगर आप बेस इसको कंसिडर कर रहे हैं तो बेस के ऑपोजिट सी पॉइंट मौजूद है ना, तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो बेसिकली यही लाइन आएगी और यहाँ तक आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपने ब्लू से मार्क की है ये इसका एल्टीट्यूड है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप बेस इसको लेते हैं तो इसके ऑपोजिट पॉइंट बी आ रहा है, तो बी से जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इट कैन बी इन आउटसाइड द ट्राइंगल। तो बेसिकली ये केस था ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा वाला केस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल बेस पे आ रहा है तो फिर आप देख सकते हैं कि हमेशा जो है ना वो आउटसाइड द ट्राइंगल इसका एल्टीट्यूड लाई करेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि अब हमने दो केसेस बेसिकली यहाँ डिड्यूस कर लिए हैं कि जब हम एक्यूट ट्राइंगल का एल्टीट्यूड लेते हैं तो हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल होता है, लेकिन जब ऑब्ट्यूस करेंगे तो इट मे बी इन आउटसाइड द ट्राइंगल।